शहर है, कोई काम नहीं हुआ पिछले 9 सालों में, सिर्फ तानाशाही हुई है। विपक्ष का तो कहने का हमें, अगर वो हम तो कहते विपक्ष और बोले कि काम नहीं हुआ है, जब तक वो बोलेगे नहीं, जब तक वो चिल्लाएंगे नहीं, तब तक गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। और काम तो हो रहा, हर चीज किस जगह हर जगह काम हो रहा है। तानाशाही हो रही है, हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी जाती है बात बात पर। चोर के साथ और क्या करना है, चोर के साथ तानाशाही लगेगा ही। चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं आपस में। कौन चोर? सब जितनी भी पार्टियां पहले एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे, अब एक हो रहे हैं, अब एक साथ देश को लूटना चाह रहे हैं। देश में सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। अब तो वो तो 2024 में वो तो जनता बताएगी ना, जनता अपना वोट डालेगी जब पता चलेगा ना। ऐसे तो उनके कहने से थोड़ी पता। क्या लगता है महागठबंधन बना मोदी कौन जीतेगा? नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। केजरीवाल को देखते प्रधानमंत्री? हम नहीं देखते, किसी को नहीं देखते मोदी के अलावा। मोदी के अलावा योगी है या अमित शाह है, बस और कोई नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में कांग्रेस आएगी महागठबंधन के साथ। सोना निकालेंगे, आलू में सोना निकालेंगे, चिंता मत करो। केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं और शिक्षा नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है। भाई पढ़ा लिखा क्या, जो हमारा जो कढ़ा आदमी आजकल जो अच्छा काम कर, हमको पढ़े लिखने से मतलब नहीं है। हमको जो देश का विकास करे, हर चीज़ सुरक्षित करे, हमको उससे मतलब है। केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा, क्यों बैठ जाए प्रधानमंत्री बन जाए, पब्लिक बना दे उसको प्रधानमंत्री। महागठबंधन वाले साथ नहीं दे रहे ना उनको। महागठबंधन वाले साथ कैसे देंगे? हाँ। नहीं देंगे ना, कौन प्रधानमंत्री उसको सब खिचड़ी पका के उसको खिलखाने के दे देंगे। भाई जब सब साथ देंगे, सभी कहते हैं हमको बनना है, तो बना किस कौन बनेगा? जो ज़्यादा विकास करेगा, जो ज़्यादा पॉपुलर होगा जनता के बीच में, वही बनेगा। विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ पिछले 9 सालों में, सिर्फ तानाशाही हुई। विपक्ष का तो कहने का हमें, अगर वो हम तो कहते विपक्ष और बोले कि काम नहीं हुआ है, जब तक वो बोलेगे नहीं, जब तक वो चिल्लाएंगे नहीं, तब तक गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। और काम तो हो रहा, हर चीज़ किस जगह हर जगह काम हो रहा है। तानाशाही हो रही है, हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी जाती है बात बात पर। चोर के साथ और क्या करना है, चोर के साथ तानाशाही लगेगा ही। चोर जो चोर होगा, ईमानदार किसी के पास लगा हुआ था सीआईडी लग रही है। जो अब इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं सत्ता से हटाकर फेंकेंगे, अब आती का हमारे घर वाले कहते कि हमारे पास सीआईडी, अगर 20 साल में कोई 16,000 करोड़ कोई ईमानदारी से कमा के दिखा दे तो हम बताएं उसको। 50 साल 100 साल में नहीं कमा पाएगा 16,000 करोड़ रुपया, और वो 20 साल में कमा कैसे, टांगे वाले के लड़का कमा के बैठ गया। अच्छा, नीतीश कुमार चाणक्य बन रहे हैं महागठबंधन की, सबको मैं साथ। बेवकूफ़ है, महाबेवकूफ। हाँ, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो वही है। वो पूरे जितना चौटाला परिवार चल रहा ना, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ही बेवकूफ़ है। कितने बार लालू उसको लतेड़ा तो भाग के बीजेपी में आया, कहाँ कहाँ उसको लतेड़ा वो। अब बीजेपी जब थोड़ा टाइट हुई तो फिर लालू का दामन पकड़ लिया है, और जब लालू फिर टाइट होगा तब फिर वो भागेगा, बीजेपी की तरफ भागेगा। वो तो बिन पहने का लोटा है कि इधर उधर घूमता रहता है। कितने बार वो लालू से हाथ मिलाया, लालू के साथ पार्टी बनाया गठबंधन का और उसके बाद हटा भी, फिर बीजेपी के साथ हुआ। तो उसकी बात तो मत करो। वो कोरोना में भी चिल्ला तब नहीं कुछ बोला, अब जब सोचा इलेक्शन आ गया मोदी किनारे, क्योंकि वो अपना मनमानी कर नहीं पाया, इस चक्कर में वो मोदी से हटाने तो हटता ही नहीं मोदी के पीछे। आम आदमी पार्टी को क्या एक विकल्प देखते हैं? नई पार्टी है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है। हाँ ठीक है, पंजाब में भी देख रहे हैं और दिल्ली में भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे कितना विकास करेगी, कितना पब्लिक, हर जगह पब्लिक लग रही है। भाई क्या नाम है आपका? शाहिद अनवर। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। मुझे बताइए, अगले साल जब देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, महागठबंधन बनाम मोदी, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? अरे ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि मोदी जी का तो पहले से ही वो है, पहले से ही मतलब उनका तगड़ा चपाटी चल रहा है, क्योंकि अभी 5 साल से जीतते आ रहे हैं, 7 साल से जीतते आ रहे हैं, आगे भी मेरे ख्याल से उनका ही चांस है। क्या कोई चेहरा नहीं है विपक्ष के बाद पास जो मोदी जी के खिलाफ वो उतार सके मैदान में? वो केजरीवाल है, बाकी और कोई नहीं है। पर वो इतने तो आप देख रहे हैं, महागठबंधन ने भी उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, लात मार के कोई बाहर नहीं निकाला। कांग्रेस ने मना कर दिया समर्थन से, पीडीपी ने मना कर दिया समर्थन से कि नहीं हम तो नहीं देंगे समर्थन। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपको तो कौन याद करेगा महागठबंधन में, ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। सर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, सपोर्ट वाले सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी जो अपने तरफ है, ये अपने तरफ है, ठीक है,
जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोलकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, फिर चाहे वो एनसीपी हो, फिर चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, शीला दीक्षित हो, एक पूरी लिस्ट है, अखिलेश यादव भी हो, क्या बात है, मायावती हो, तमाम नेताओं को स्टालिन 30 लोगों की पूरी लिस्ट लेकर आए थे, ये सब भ्रष्टाचारी है। उन भ्रष्टाचारियों के साथ आज गठबंधन कर रहे हैं सर। अगर भ्रष्टाचारी होते थे हमारे पंजाब में नहीं, क्या कहते हैं, हारते नहीं, वो जीत गए हैं। जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे आप उनके साथ ऐसे ना हाथ में हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे तो दोगलापन दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं दोगलापन नहीं है आपके नज़र में, बस दोगलापन है और कुछ नहीं है। पर अगर मैं किसी को भ्रष्टाचारी बोलूँ फिर उससे दोस्ती भी कर लूँ, ये क्या हुआ बताइए फिर, ये सर वक्त की बात है, ठीक है। पर घुसखोरी जो है वो चलता है, नाम पर स्कूल बदलना सही है ये, मैं सीधी बात, इनका मोटो है सर, इनका मोटो है कि ये सारे लोग अपोजिट पार्टी हैं, दूसरी वो सारी पार्टी मोदी को हटाना चाहती हैं और कुछ नहीं है। ये जो 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 आप बोल रहे हैं उस हिसाब से कि इन्होंने एक पर्चा तैयार किया था कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है, उनको पूरा उन डिस्क्राइब किया था उन्होंने कि कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, बट फिर आज उनके साथ जो काम कर रहे हैं केजरीवाल, और आज दिल्ली की हालत देख लीजिए, अगर वो बिना उसके बोल दे कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई मोदी जी की टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल दे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक मोदी एक अलग ही छवि में काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, वो पूरे वर्ल्ड पूरे कह रहे सिर्फ तानाशाही हो रही है, काम नहीं हो रहा। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी तानाशाही हो रही है, आप मोदी जी हैं तो मान के चलो देश से नहीं चलेगा, ऐसा तो हुए है नहीं, अगर वो पहले अगर नहीं क्या देश आपको चल नहीं रहा था। अरे सर 75 सालों में, 75 साल में आप बता दीजिए, चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, कौन चोर, सब जितनी भी पार्टियां पहले एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे, अब एक हो रहे हैं, अब एक साथ देश को लूटना चाह रहे हैं, देश में तस हटाकर फेंक देंगे भाजपा को, तो वो तो 2024 में वो तो जनता बताएगी ना, जनता अपना वोट डालेगी जब पता चलेगा ना, ऐसे तो उनके कहने से थोड़ी पता चलेगा। लगता है महागठबंधन बना मोदी कौन जीतेगा, नहीं होगा कुछ, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, जो जो है पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है, इसके मुकाबले कोई पार्टी नहीं है भाई। अभी कहते हैं अरविंद केजरीवाल अच्छा विकल्प, क्या अच्छा विकल्प, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है, बताओ आप मेरे को, सब फ्री दे रहे हैं, कितने लूट के खा गए, बस यहाँ पानी फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए हैं, बंदा क्या है क्या नहीं है, एक बंदा बैठा उसका नाम हो रहा है आज पूरे देश का नाम, उसने कर रखा है नाम कर रखा है उसका, देखा है आप जब जाओगे ना विदेश में सर उठा के जाओगे सीना तान के। महागठबंधन वाले कह रहे हैं तानाशाही करती है भाजपा सरकार, तानाशाही दिख रहा है, सब दिख रहा है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं एक दूर, आप एक एक इकट्ठे नहीं होते आज, भाई भाई क्यों आपस में लड़ रहे थे, आज सारे इकट्ठे हो गए, क्यों हो गए ये बताइए मेरे को। अरविंद केजरीवाल को देखते प्रधानमंत्री, हम नहीं देखते, किसी को नहीं देखते मोदी के अलावा, मोदी के अलावा योगी है या अमित शाह है बस, और कोई नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में कांग्रेस आएगी महागठबंधन के साथ, सोना निकालेंगे आलू में, सोलह निकालेंगे, चिंता मत करो। देखते हैं मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा महागठबंधन, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो बिल्कुल 2024 में तो बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या कारण है? कारण ऐसा है कि मोदी सरकार से पहले देख लीजिए भारत का कहीं भी मतलब नाम नहीं था, पर मोदी सरकार के आते ही हर देश में भारत का सिक्का है, सिक्का चल। सरकार तानाशाही करती है, विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई लगा देती है, नहीं भारत सरकार वो सॉरी मोदी सरकार ही आएगी। महागठबंधन जो बना रहे सब एक साथ मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत क्या पानी हो जाएगी? पानी पानी सब पानी है। क्यों भैया इतने सारे दिग्गज नेता हैं, सब मिलके भी नहीं हरा पाएंगे? सारे भ्रष्टाचारी हैं ना, बस इनकी परसेंटेज कम है बस, और मोदी सरकार के जितने सपोर्टर हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो कॉन्फिडेंस वगैरह सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को? नहीं हो सकता। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? बलराम। क्या लग रहा है कौन पार्टी बाजी मारेगी इस बार 2024 के चुनाव में? बीजेपी मारेगी। क्या कारण है? बीजेपी अपना काम कार्यकर्ता कर अच्छा कर रही है, सब जगह बेटर अपने आप को दिखा रही है, तो वही जीतेगी। पर कहना ये है कि महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि सत्ता से हटाकर फेंक देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कारण है? कारण का जो काम करता है वो अलग दिखाई देता है। अच्छा एक भाई अभी बोलकर गए कि अरविंद केजरीवाल एक विकल्प हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों, क्या कारण है? वो कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। वो कहने की बात अलग होती है, करने में कुछ और होता है। कहते हैं कि मोदी जी के पास कोई देश को विकसित करने का प्लान नहीं, मेरे पास प्लान है देश को नंबर वन कैसे बनाना है। ये हो ही नहीं सकता, मोदी जी के पास तो है, मोदी जी तो विकसित कर रहे हैं देश, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, जो समझदार है वो सभी सबको दिखाई दे रहा है।